कवर्धा जिले की दो विधानसभा सीट पर चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो गई है। मतदान के बाद प्रत्याशी अपने रूटीन कामों में व्यस्त हो गए हैं। वही हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है पंडरिया विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी नीलकंठ चंद्रवंशी से। उन्होंने कांग्रेस की जीत का दम भरा है। कवर्धा जिले के दोनों विधानसभा सीटों में चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो गई है। पहले चरण में 7 नवंबर को मत डाले गए थे, उसके बाद जो है प्रत्याशियों की क्या स्थिति, कैसी दिनचर्या है, ये जानने के लिए अनिजोटी की टीम पहुंची है। पंडरिया विधानसभा के कांग्रेस उम्मीदवार जो है नीलकंठ चंद्रवंशी, उनसे बात करते हैं कि चुनाव के बाद की उनकी कैसी दिनचर्या है, किस तरह से वो समय व्यतीत कर रहे हैं और किस तरह की रणनीति जो है वो बना रहे हैं। नीलकंठ जी, आप 15 दिनों तक से ज़्यादा समय में चुनाव व्यस्त रहे, अभी आपकी दिनचर्या कैसी, कैसे शुरुआत हो रही है? 7 नवंबर को मतदान हुआ है, उसके बाद 1 महीना तक नींद पूरा नहीं हुआ था, सोने को मिला ही नहीं था। अब 3 दिसंबर तक है, इस तरह आप कैसे आपकी आगे दिनचर्या रहेगी? हाईकमान अगर कहीं ड्यूटी लगाएंगे तो वहाँ जाऊँगा मैं, अगर ड्यूटी नहीं लगा तो अपने क्षेत्र में रहूँगा, अपने विधानसभा में घूमूंगा, कार्यकर्ताओं से मिलूँगा, बातचीत करूँगा, कार्यकर्ताओं का जो छोटे मोटे काम होंगे उसको मैं कराऊँगा और क्षेत्र में घूमना है। तो एक आखिरी सवाल ये कि जीत की अगर हम बात करें तो कितने वोटों से आप जीत रहे हैं, ऐसा अनुमान लगा सकते हैं? पिछले पंचवर्षीय में 36,000 वोट से हम लोग जीते थे, इस पंचवर्षीय में उससे अधिक मत से कांग्रेस को विजय हासिल होगा। तो ये थे नीलकंठ चंद्रवंशी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पिछले चुनाव जो कांग्रेस ने जीता था उससे अधिक वोटों से जीतेंगे, जनता का विश्वास उनके साथ है, जो 5 साल सरकार ने काम किया उसका लाभ उनको मिलेगा। मनीष मिश्रा, न्यूज 18 कवर्धा, छत्तीसगढ़ में ज्यादा से ज्यादा मतदान हो सके इसके लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। मुंगेली जिले में दिव्यांगजनों और 80 साल से ऊपर के बुजुर्गों ने अपने घर से मताधिकार का प्रयोग इस बार किया है। मुंगेली के लोरमी और बिल्हा विधानसभा के कुल 65 मतदाताओं के लिए 9 मतदान दलों ने उनके घर जाकर मतदान की प्रक्रिया पूरी कराई। निर्वाचन आयोग ने ऐसा प्रयोग पहली बार किया है जिससे मतदान केंद्र तक नहीं पहुंचने वाले दिव्यांग और बुजुर्गों में काफी खुशी है। पीडब्ल्यूडी मतदाताओं की होम वोटिंग करा रहे हैं, कुल हमारे पास 65 ऐसे मतदाता है, 20 मुंगेली में, 24 लोरमी में और 21 बिल्हा में। तो आज दलों को रवाना कर दिया गया है, 3-3 दल प्रत्येक विधानसभा में बनाए गए। राजनांदगांव से बड़ी खबर आ रही है जहां दिवाली को लेकर बिजली विभाग की तैयारी पूरी है। रात भर सक्रिय रहेगी बिजली विभाग की टीमें, लगभग 20 टीमें ऐसी हैं जो सक्रिय रहेंगी। तो बिजली संबंधित शिकायतों से निपटेंगे कर्मचारी, हर दल में 3 कर्मचारी मौजूद रहने वाले हैं। कुल मिलाकर यही संभावना है कि अगर आगे आने वाले समय में बिजली को लेकर कोई खराबी अगर आती है या कोई परेशानी आती है तो उसके निराकरण के लिए कर्मचारी जमीनी स्तर पर मौजूद रहें, और यही कोशिश राजनांदगांव में अब आपको नजर भी आने वाली है।